निराश है, इसके डर से हमारे कार्यालय में छापेमारी करवा रहे हैं, हमारे वोटरों को निराश करना डराने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये महागठबंधन की पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग और महागठबंधन के लोग डरने वाला नहीं है, इसका नतीजा पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। तेजस्वी यादव अपनी सभाओं में जाते हैं और नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार पर जमकर निशाना साधते हैं। वो कहते हैं कि देश लगातार पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है, देश बिक रहा है, किसानों की जो आय है, किसानों के बारे में नरेंद्र मोदी नहीं सोचते हैं। इसको लेकर के तेजस्वी यादव हो या फिर मुकेश सहनी हो, ये कई लोग लगातार नरेंद्र मोदी को घेरते हुए नज़र आते हैं। तेजस्वी यादव की जनसभाएं अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में इन दिनों घूम रही है। 4 जगहों पर लोकसभा क्षेत्र का जो चुनाव है वो होने वाला है, नवादा, जमुई, औरंगाबाद और गया। इन 4 लोकसभा सीटों पर 19 तारीख को चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा घूम रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, किसानों के बारे में बातें करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधते हैं। एक तरफ जहाँ तेजस्वी यादव इस कड़ी में आज जमुई और आसपास के इलाकों में जनसभाएं कर रहे थे, औरंगाबाद में उनकी सभाएं हो रही थी, भ्रष्टाचार पर जमकर निशाना साध रहे थे, दूसरी तरफ औरंगाबाद में ही तेजस्वी यादव के राजद कार्यालय में छापा पड़ गया और छापा पड़ने के साथ ही वहां पर हड़कंप भी मच गया। कई राजद कार्यकर्ता उस कार्यालय से बाहर निकल गए। दरअसल आप सभी को बता दें कि अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में एक टेम्पररी, माने कि अगर कहा जाए तो एक तरीके से वर्तमान में राजद दफ्तर बनाया गया है अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में, और जहां पर जिसको सुविधा मिलता है, जैसे अगर कोई होटल मिल गया वहां पर राजद का दफ्तर बनता है, तो औरंगाबाद के एक होटल में राजद का दफ्तर बना था और उस राजद कार्यालय में कई जिलों से वहां पर कार्यकर्ता आकर रह रहे थे, वहीं से सब कुछ देख रेख किया जा रहा था, कार्यक्रम कहाँ होगा, तेजस्वी यादव की सभाएं कहाँ लगेंगी। और उसी दरमियान अचानक से वहां पर कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, प्रशासन पहुंचती है और छापा पड़ जाता है। तस्वीर आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा, इसी होटल में देखिए किस तरीके से जो टीम है पुलिस विभाग की, प्रशासनिक अधिकारियों की, वहाँ पर छापेमारी की जा रही है। कई कैश भी बरामद हुए हैं। इतना ही नहीं, वहाँ पर विरोध भी होने लगा है, तेजस्वी यादव के समर्थन में नारे लग रहे हैं। वहाँ के SDPO ने भी इस बारे में जानकारी दी है विरोध करते हुए। क्या कुछ लोग कह रहे हैं SDPO के से जब पूछा गया है तो वो क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, तमाम वीडियो के माध्यम से हम आपको छोड़े चलते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, धन्यवाद। निराश है, इसके डर से हमारे कार्यालय में छापेमारी करवा रहे हैं, हमारे वोटरों को निराश करना डराने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये महागठबंधन की पार्टी है। हम ऐसे कायरतापूर्ण कार्रवाई से राष्ट्रीय जनता दल के लोग और महागठबंधन के लोग डरने वाला नहीं है, इसका नतीजा आगे आने वाला रिजल्ट में दिखेगा। FST की टीम आई हुई थी, इनके द्वारा छापेमारी की गई है, उनके समर्थन में सुरक्षा में सब लोग थे। FST मजिस्ट्रेट साहब ने बताया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।